नमस्कार विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी जानकारी कर देंगे। झारखंड के राशन कार्ड का जो पोर्टल है jsf.jharkhand.gov.in, इस पोर्टल को अपडेट किया गया है और अब यह पोर्टल 24 घंटे अब यह पोर्टल वर्क करेगी। पहले हालांकि बहुत पहले भी यह पोर्टल 24 घंटे खुला रहता था, लेकिन इस पोर्टल को कुछ समय बाद अपडेट्स किया गया सिक्योरिटी पर्पज से, और इस पोर्टल को सुबह के 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक इस पोर्टल को खुला सिर्फ रखा जा रहा था। 8 बजे रात्रि के बाद से यह पोर्टल सुबह 8 बजे तक बंद रहता था, ठीक है। यानी कि 8 से 8, सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि में 8 बजे तक ही आप इस पोर्टल पर कुछ भी आप काम कर सकते थे राशन कार्ड से रिलेटिव। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, इस पोर्टल से झारखंड के राशन कार्ड का नया रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड में कुछ भी आप कार्ड होल्डर लॉगिन पर क्लिक करके, यहाँ पे आप लॉगिन करके आप अपना कुछ भी नाम सुधारने का हो या नाम जोड़ने का, नाम डिलीट करने का, कुछ भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना राशन कार्ड के आवेदन की स्थिति भी आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे यहीं से अधिकारी के लोग आपका राशन कार्ड का अप्रूवल वेरिफिकेशन सब भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आपको सारा डॉक्यूमेंट फॉर्म ये सब भी मिलता है आपको। तो राशन कार्ड से संबंधित कई सारे काम यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पोर्टल को आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे आप जाते हो जाएंगे आप 8 बजे से पहले अगर जाते तो ये पोर्टल आपको खुलता नहीं, यहाँ पे टाइमिंग आपको शो होता था, ठीक है। इस टाइम पीरियड आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि टाइम यहाँ पे 7:55 हो रहा है, लेकिन ये पोर्टल वर्क कर रहा है, यानी कि ये पोर्टल को अपडेट्स कर दिया गया और ये पोर्टल को 24 घंटे के लिए पुनः इसे खोल दिया गया है। कभी भी आप इस पोर्टल पे आप कुछ भी आप अपना काम कर सकते हो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।